वहाँ किसी का किसी पार्टी विशेष का सरोकार नहीं। तो पहले मैं स्पष्ट कर दूँ, चूँकि हमारे यहाँ तो मुझे ऐसा पता चला, कुछ लोगों ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम होता नहीं, ऐसा नहीं है। यह एक पत्रकारों का एक आपस में संवाद कार्यक्रम है। तो जब संवाद होता है तो सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो हम लोग आपस में मिल के बातचीत करें, और सिर्फ योजनाओं की नहीं, चूँकि हम लोग भोपाल से आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम पत्रकारिता का किस तरह से क्या झुकाव है पत्रकारिता कहाँ जा रही है। हम लोग भोपाल भले जाते हैं कि होशंगाबाद चूंकि नजदीकी जिला है तो बहुत सारी चीजें जानते हैं कि होशंगाबाद में क्या घटित हो रहा है। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि पत्रकारिता किस निर्माण के है और एक पत्रकार का वजूद समाज में क्या है। सबसे पहले हमको उस पर विचार करना है। बहुत सारे साथी है, घटना और दुर्घटना एक इत्तेफाक है, और जो इस तरह का गैंगरेप या किसी चीज 76 का केस करता है, पता नहीं कैसे लोग कामांध होके और इस घटना को अंजाम देते हैं। इतना खड़ा कानून होने के बावजूद भी लोगों को थोड़ा भी भय नहीं लगता कि वो उस परिणाम से डरे। जहाँ तक सरकार की सफलता और असफलता की बात है, तो ये इत्तेफाक से इन घटनाओं की वजह से बेटियों के साथ दुराचार होना निश्चित रूप से निंदनीय काम है, और जिस तरह की आवाज़ हम लोग विपक्ष में रह के उठाते थे, तो इस तरह की घटनाओं की हम सब लोग भी निंदा करते हैं, और ये भी प्रयास करेंगे जिस लड़की के साथ इस तरह की घटना घटी है और जो भी उस घटना को अंजाम देने वाले लोग होंगे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ये हमारे थाना जमुई क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक जो है इस प्रकार के अपराध की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर कि पुलिस के द्वारा क्या होगा तत्काल रूप से जो है वैधानिक कार्रवाई कर ली गई, अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया और इस प्रकरण में जो आरोपीगण थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आफ्टर जो है इसके पश्चात माननीय न्यायालय में उनको पेश किया। इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नैतिकता और सामाजिक पहलू की भी है, और निश्चित रूप से इसमें जागरूकता की भी आवश्यकता है कि हम इसमें जो है दोनों ही पक्ष, चाहे वो बालिकाएं हो चाहे वो हम बालक हैं, दोनों को जागरूक करें और तभी शायद इसमें क्या होगा अपराधों में कमी ला सकते हैं। आवेदक सुरेश कुमार ने एक आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त श्री राजेश मिश्र सर को दिया। उसमें उसने लिख किया कि भाई मोड़ी ग्राम तहसील सुसनेर जिला आगर में SR पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं। इस संचालन के दौरान नापतोल विभाग से इनको स्टंपिंग करानी रहती है, डीजल पेट्रोल का सत्यापन होता है। उस हेतु नापतोल विभाग में पदस्थ नापतोल इंस्पेक्टर पंकज कनोड़िया इनसे 96,000 रुपये राशि की मांग कर रहा था। फिर बाद में जब हम लोगों ने आवाज़ को रिकॉर्ड कराया, उस रिकॉर्डिंग में 40,000 रुपये बात तय हुई। इसके साथ साथ 12,000 रुपये मासिक बंदी के तौर पर भी इन्होंने डिमांड की थी। उस पर कार्रवाई करते हुए आज हमारी टीम ने इनको 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अभी इनके घर पर हम लोग छापे की कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी प्रोसीजर है, और हो सकता है कि आगे और कुछ भी इनके घर पर मिले। अभी तो अंडर कस्टडी जब तक पूरी नहीं हो जाएगी विवेचना, इसके बाद छापे में क्या मिलता है ये अगला स्टेप रहेगा कि इनको क्या किया जाए। निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो जो आवेदक है उन्होंने साहस का काम किया है कि गलत बात को नहीं माना, लेकिन चूंकि यहाँ पदस्थ हैं और इकलौते अधिकारी हैं तो दूसरे पेट्रोल पंप से संभावित है कि ऐसा किया गया। गांव गायत्री फ्री स्टेशन मेरा पेट्रोल पंप है, उसका मैं संचालक, मेरा नाम है सुरेश कुमार। मेरे यहाँ साल में एक बार वो नापतोल का होता है सर, स्टेपिंग बोलते हैं उसको, तो स्टेपिंग करवाने के लिए मैं इनके पास आया। मैंने जैसे आवेदन उसने लोकसभा केंद्र में आवेदन भी दिया है, उसके मार्फत मैं इनके पास आया हूँ। तो ये मेरे से बोलते भी आपको स्टेपिंग करवाने के लिए आपको 96,000 रुपये देना पड़ेगा। तो ये जब से आए हैं 6-7 महीने हो गए हैं, ये जब से आए जब से मेरे से बोल रहे हैं आपको ये 15,000 रुपये महीने आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 96,000 रुपये इनने मेरे से कहा, फिर मेरे से जैसे जैसे इनने 25,000 रुपये तो ले चुके हैं सर, बाकी रुपये की आज की बात थी। तो आज मैं इनको क्या सर 20,000 रुपये दिए और लोकायुक्त वालों को मैंने बुलाया, और इसी तरह से ये हमें गुमराह करते हैं और लोग बोलते हैं आप कस्टमर को पेट्रोल कम दो और इसके पैसे आप मेरे को दो। तो हम ये चीज़ करना नहीं चाहते, ऐसा हमारे ऊपर ये दबाव डालते हैं। और बाकी आप चाहो और भी पेट्रोल पंप वाले पूछ सकते हो कि इसके बारे में क्या क्या अधिकारी कैसा अधिकारी है। ये पेट्रोल पंप कम करते हैं, देने कम जाने की बात बताते हैं, कैसे बताते हैं आप पेट्रोल कम दो कस्टमर को और इसके पैसे में क्या तरीका बताते हैं, इसका क्या है। वो स्टेमिंग जब करते हैं तो मशीन के अंदर इनके हिसाब का काम रहता है, ये सील वगैरह ये लगा के आते हैं,
उसमें क्या होता है सर, ये 5 लीटर अगर पेट्रोल है तो उसमें 50 ग्राम पेट्रोल कम देते हैं, 50 ग्राम पैसा आप इनको दो, ऐसा इनका कहना है और ये अपन करना चाहते नहीं। मशीनों में इनका आपका काम, इनका अधिकारी नापतोल विभाग का जिला अधिकारी है, ये नापतोल होता है, जैसे एक अधिकारी पूर्व विभाग का भी होता है, वो भी उनका काम करता है, ये इनका अधिकारी ये भी इस काम का करता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों को दबाव डाल के और हमसे पैसे की बात करते हैं और ये बोलते हैं अगर आप पैसे दोगे आपको पंप बंद करवा देंगे। नहीं, मेरे को ऐसा बोला कि नहीं आप पैसे दो और आप ऐसा करो, हम ऐसा नहीं करेंगे सर, हम पैसे भी देंगे आपको और उसके बाद में जो है आप ये पेट्रोल किसी को कम ज्यादा देंगे। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।